दोस्तों कोई बोलता है मुझे 1 लाख व्यूज पर $1 मिला, कोई बोलता है मुझे $4 मिला, कोई बोलता है मुझे $20 मिला, लेकिन मैं आज आपको बोलता हूँ मुझे 1 लाख व्यूज पर $86 मिला है। और $86 मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आज तक मुझे कोई भी वीडियो पर इतना सारा डॉलर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसमें मैंने पहले दिमाग नहीं लगाया था, फिर बाद में मैंने दिमाग लगाया और उसी तरीके से मैंने वीडियो बनाई और उस वीडियो पर मुझे पूरे 1 लाख व्यूज का $86 मुझे मिला है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मेरे दो वीडियो वायरल है और दोनों वीडियो पर 1-1 लाख से ज्यादा व्यूज है, लेकिन फिर भी एक वीडियो पर मुझे $17 मिला है और दूसरे वीडियो पर मुझे $86 मिला है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो सारे के सारे सीक्रेट्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। अगर आपके वीडियो पर भी लो व्यूज़ आते हैं तो लो व्यूज़ में आपको ज़्यादा पैसे कैसे कमाने हैं, वो भी मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को लाइक ना किया तो अभी के अभी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये देखो मैंने अपना YouTube चैनल यहाँ ओपन कर लिया, यानी YT स्टूडियो ओपन करने के बाद मैं एनालिटिक्स में जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको टॉप वीडियो पर लेके जाता हूँ। नीचे टॉप वीडियो होती हैं आपकी, जो वायरल वीडियो होती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो पर अब व्यूज़ देखो कितना है, 1,41,000 व्यूज़ है। अब मैं आपको गो टू एनालिटिक्स पर लेके चलता हूँ, रेवेन्यू पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ लाइफ टाइम का मुझे कितना डॉलर मिला इस वीडियो पर। $17 मुझे इस वीडियो पर मिला है। अब मैं आपको एक दूसरी वीडियो और दिखाता हूँ, ये वाली मेरी वीडियो है। इस पर आपको देखो कितना व्यूज दिख रहा है, 1,18,000 व्यूज है। अब मैं गो टू एनालिटिक्स पर जाता हूं, रेवेन्यू पर क्लिक करता हूं, यहां पर आप देख सकते हो मैं यहां पर लाइफ टाइम कर देता हूं जिससे आपको पता चल जाए। आप देख सकते हो कि मुझे इस वीडियो पर कितना $86 मिल चुका है। 86 आगे भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, आगे भी मिलेगा और इस वीडियो पर मुझे $86 मिला है। अब दोनों में डिफरेंस देखो, इस वीडियो में मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिला है, 1,41,000 व्यूज है, लेकिन फिर भी मेरी अर्निंग कम है। और ये वाले वीडियो पर व्यूज़ कम है लेकिन अर्निंग ज़्यादा है, ऐसा क्यों होता है? ये वाला वीडियो का सबसे पहले मैटर समझो, ये वाला वीडियो मेरा था 15 मिनट का और जब 10 मिनट के ज़्यादा वीडियो बनाते हो तो उसमें आप ज़्यादा एड लगा सकते हो, यानी मिड रोल लगा सकते हो, तो उससे आपकी अर्निंग हो जाती है। और ये सिया कक्कर वाला वीडियो था, इस पर मैंने सिर्फ 3 मिनट का वीडियो बनाया था और 3 मिनट के वीडियो पर मुझे इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं मिली क्योंकि इस पर मैं मिड रोल नहीं लगा सकता। ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट होता है आपका कंटेंट और आपका कीवर्ड, कि आप किस कीवर्ड पर वीडियो बना रहे हो। आप जो टाइटल वगैरह लिखते हो ना, ये आपकी अर्निंग में बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड डालते हो जिस पर सीपीसी ज्यादा होती है, सीपीसी का मतलब होता है क्लिक पर कॉस्ट, कि एक क्लिक का आपको कितना पैसा मिलेगा। अब देखना, आपने सुना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग वाले और वाईफाई कीवर्ड को, वाईफाई के ऊपर वीडियो बनाते हैं, यानी वाईफाई का कीवर्ड यूज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हैं, प्रमोट यूट्यूब चैनल का कीवर्ड यूज करते हैं, तो उन पर क्या होता है कि उन पर जो सीपीसी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है और जिस कीवर्ड पर सीपीसी हाई होती है उस पर आपको ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जैसे सिया कक्कर है, टिकटॉक है, इन पर क्या होता है सीपीसी लो होती है और जिस पर सीपीसी लो होगी उस पर आपको कम पैसा मिलेगा। भले फिर आपका वीडियो पर मिलियंस में व्यूज होगा लेकिन फिर भी आपको कम पैसा मिलेगा। आपने देखा होगा जो ब्लॉगिंग करते हैं, अब ब्लॉगिंग की कैटेगरी में जो कीवर्ड वगैरह होते हैं वो तो ऐसा बता देते कि ये मेरा घर है, वो घर है, तो उन पर क्या सीपीसी क्या होता है, बहुत कम होता है, तो सबसे ज्यादा कम उनको अर्निंग होती है। लेकिन जहां टेक्निकल की बात की जाए, डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए, अगर इन सब टॉपिक पर जो वीडियो बनाते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग मिलती है। इसीलिए दोस्त, अगर आपको कम व्यूज पर ज्यादा अर्निंग करनी है तो आपको कीवर्ड पर फोकस रखना होगा कि किस कीवर्ड पर सीपीसी ज्यादा होती है। अब यह मत सोचना कि आपका कंटेंट कुछ अलग होगा, आप सीपीसी हाई वाला कीवर्ड डाल दोगे तो आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी, नहीं, आपके कंटेंट से और कीवर्ड का मैचिंग खाना चाहिए, उस कंटेंट के हिसाब का वीडियो होना चाहिए, तभी आपको अर्निंग मिलेगी, वरना अर्निंग नहीं मिलेगी। फिर चाहे आप कितने भी कीवर्ड भारी डाल लो, हाई सीपीसी वाले डाल लो, लेकिन आपको अर्निंग मिलने वाली नहीं है। इसीलिए आपको हमेशा ज्यादा अर्निंग करनी है तो सीपीसी हाई वाले कीवर्ड को चूज करना चाहिए। जितना ज्यादा सीपीसी हाई होगा उतना ज्यादा आपका अर्निंग होगा। अब सीपीसी होता है क्लिक पर कॉस्ट। अगर आपको कीवर्ड फाइंड करना नहीं आता, हाई कीवर्ड कैसे, हाई सीपीसी वाले कीवर्ड कैसे फाइंड करने अगर वो आपको पता नहीं है, तो कमेंट बॉक्स
मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जितने ज्यादा आपके कमेंट आएंगे, अगर आपने बोला कि अजय भाई वीडियो बनाओ इस पर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर जरूर लेके आऊंगा। बस आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हाई लेवल वाले कीवर्ड बताऊं, तो आपको कमेंट करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी लोग नए आए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जाइए वंदे मातरम।